अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सएप कैसे आप सब। तो यार सर्दी शुरू हो गई है और सबसे बड़ा मसला पता ही क्या है, सर्दी में सुबह सुबह जल्दी उठना। एक तो सर्दी में ना नींद बहुत ज़्यादा आती है, ऊपर से जल्दी उठा भी नहीं जाता, मतलब उठने का दिल ही नहीं करता, इंसान बोलता है कि सोया ही रहे। लेकिन खैर अभी मेरा ऑफ़िस का टाइम है, ऑफ़िस भी जाना है और टाइम पर पहुँचना भी है, तो बस अभी ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस के जो काम वगैरह है वो करते हैं। और आज जुम्मा भी है और आज कज़न की शादी भी है, तो कज़न की शादी में भी रात को जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस के काम वगैरह जो है वो पूरे करते हैं, इसके बाद मिलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद माय न्यू व्लॉग। अभी जा रहा हूँ जुम्मे की नमाज़ के लिए, पीछे भरत भाई साथ ही है। अभी नमाज़ पढ़ेंगे, इसके बाद ऑफिस जाके लंच करेंगे। आज लंच में मतलब गैदरिंग नहीं है, सब अपना अपना ही लंच करेंगे। कोई एब्सेंट है या किसी को कहीं जाना है तो भी फिलहाल नमाज पढ़ते हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई है और जुम्मा मुबारक। अभी वापस जा रहा हूँ मैं ऑफिस की तरफ, अभी मुस्तफा साथ है वापसी में, और ऑफिस जाएंगे, लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद ऑफिस का वही काम, फिर इतना शाम में मिल जाए। तो मैं ऑफिस पर आ गया हूँ और अभी मैं लंच करूँगा। और मैं क्या लंच कर रहा हूँ, मेरा डाइट फूड है सब्ज़ी और दो ब्राउन ब्रेड के स्लाइस, क्योंकि आज वैसे शादी में जाना, थोड़ी बहुत चीट वहाँ पे करनी है, तो अभी फ़िलहाल यही खाते हैं। तो ऑफिस से फ्री हो गया हूँ, अभी जाऊँगा घर की तरफ, जो घर के छोटे मोटे काम है वो करेंगे, इसके बाद घर जाएंगे, रेडी होंगे और दावत भी जाएंगे। तो मैं घर के पास आ गया हूँ और मेरे सामने मौजूद है उसामा। मैं इसके दिमाग में था, ये सोच रहा था कि मैं अभी तक आया नहीं, मतलब मेरी उम्र बड़ी है। चलो अच्छी बात है, जल्दी नहीं मरूंगा। एक मिनट भाई, आज हमारे यहाँ पे क्या मेन्यू है खाने में, इसको पता है ये कौन सी किस कैटरिंग का है? बोल तो मेरे जानने वाले कैटरिंग का है। तो आइटम बता रहा था मुझे क्या क्या आइटम है खाने वाला, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, डाइट में वैसे ही भूख ज़्यादा लगती है। तो आज थोड़ी छीट भी अलाउ है। काजू रबड़ी का मीठा, काजू रबड़ी का मीठा मुझे अभी से नहीं पता। टेंगो चिकन है, टेंगो चिकन, बस 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 सही है, सब कुछ नहीं बताना मुझे बस। अभी पिला लेना, आज ये चाय पिलाएगा मुझे, ये चाय पिलाएगा, इसके बाद मैं घर पर जाऊँगा, रेडी होऊँगा और फिर निकलेंगे। तो भाई मैं रेडी हो चुका हूँ और उसामा को देखो समझ आ गई। तैयार व्यार होकर आ गया, सही लग रहा हूँ। शादी है खानदान वालों में, शादी है रिलेटिव की शादी है, अभी मौसम है पहनने का तो पहन सकते हैं भाई। मैं आ गया सोनू की दुकान पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे बाल बाल सेट करवा लेने चाहिए, क्योंकि आपाल के भी करवा लें और मैंने कहा अपने भी करवा दूँ। लेकिन मुझे सोच रहा हूँ कि यार ये बाल ज़्यादा सही लग रहे हैं, लेकिन करवा लेते हैं। बाल सेट कर रहा है बिल्कुल मेरे, फाइनली सोनू ने मेरे बाल सेट कर दिए। मेरा बंदा जिसे मेरा हेयर स्टाइल बनाया, मेरी हेयर कटिंग, मेरी शेप सब इसी ने करी। कैसा लगा है आपको, कैसा स्टाइल बनाया है? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट वगैरह जरूर कीजिएगा, जरूर बताएं। और किसी उसके पास आना हो तो मुझे बता देना, मैं इसके पास ले आऊँगा। वैसे जमशेदपुर बहुत मशहूर है, अभी हम निकल रहे हैं। फाइनली मैं हॉल में पहुँच चुका हूँ, पीछे देखा सारा क्राउड है, पब्लिक अच्छी लोकेशन है, बहुत रश है अंदर, बहुत रश है अंदर, क्या भीड़ भाड़ आ गया। अब इंसान फोटो सेशन करवाए या फिर वीडियो कम्प्लीट करें फंस जाता है इंसान, तो अंदर गाने भी बज रहे हैं ना, सॉन्ग बज रहे होते हैं, जो सॉन्ग के अंदर कॉपीराइट के लिए हमारे अंदर कोई वीडियो लगा देते हैं, ये दोनों मसले। कुछ खूबसूरतियाँ दिखाता हूँ मैं,
सबसे पहले ना ये चीज़ें बहुत शॉर्ट हो जाती हैं, ख़ास तौर पे ये सैंडविच दिल कर रहा है खा लूँ लेकिन अभी नहीं खाऊँगा, अच्छा नहीं लगेगा। सब खा रहे हैं, हम लोग सर्विंग कर रहे हैं और साथ साथ में ना थोड़ी बीमारी चलती है, अगर किसी को इतराज है तो मसला नहीं है लेकिन आत्मा को सुकून देना पड़ता है। सब पता है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और आगे खाना शुरू हो गया। वाह, दुनिया का फारी तरीका आदमी, मैं फारी हूँ, सही है भाई। ये सारे कैमरामैन और वीडियोग्राफर हैं, थक गए काफ़ी, अभी खाना खा रहे हैं लोग, इसके बाद फिर ही अपने काम में लग जाएंगे। अभी तुम लोग खा लो, बाद में हम लोग खाएंगे, ठीक है? फिर तुम लोग सबकी फ़ोटोशूट वगैरह कर लेना, हैं तो नहीं बैठना नहीं और हमारा काम शुरू हो जाएगा, हो जाएगा। फिर तुम लोग पहले खा लो, फिर मिलेंगे। किचन उस तरफ है, यहाँ पे ये लोग खाना वगैरह थोड़ा सर्व कर रहे हैं, तो सारे लोग हैं पीछे यहाँ पे किचन पर, किचन विचन बन रहे हैं यहाँ पे कोयले। वाह, यहाँ पे कढ़ाई है, ये मटन है और ये भी मटन ही है, मतलब मटन कढ़ाई है। रोटियाँ भी बन रही हैं साथ साथ, गर्मा गर्म लाइव रोटियाँ, ज़बरदस्त। अपनी भूख बढ़ा रहा हूँ मैं, अपनी भूख जितनी भूख बढ़ेगी ना जितना खाया तब भी उतना नहीं जाएगा, ये कंट्रोल आ ही है, लेकिन मतलब ऐसे क्या होगा। हमें फोटो खिंचवा रहे हैं, इतना सीरियस होकर फोटो खिंचा रहे हैं, मेरे भी साथ ले रहे भाई फोटो खिंचवा रहे हैं साथ। पब्लिक फुल इंजॉय कर रही है, मज़े से खा रही है, क्योंकि खाना वाकई में बहुत टेस्टी है। मैंने खाली एक छोटी सी कबाब टेस्ट करी तो मुझे आइडिया होगा खाना बहुत टेस्टी है। पब्लिक खा रही है, अभी तक इंजॉय कर रही है अपने। पब्लिक का रश ख़त्म हो गया, पब्लिक खा पी के सब चले गए, अब बस हम लोग रह गए। कामरान भी वेट कर रहा है कि कब खाना मिलेगा, हम कब खाना खाएंगे। टेबल भी हमारी खाली पड़ी हुई है, कुछ खाने को भी नहीं है, अभी भी थोड़ा वेट करना है जब तक सब मेहमान चले नहीं जाए, मिलना जुलना ना हो जाए। इसके बाद काफ़ी लाइटें भी बंद हो गई हैं, अब तो खाना ले रही है। कामरान कितनी भूख लगी है? इतनी के बस बर्दाश्त से बाहर हो गई, बर्दाश्त से बाहर हो गई। सुबह भी हमारा खाने का टाइम आ गया है, तो खाना खाते बाकी खाते बाद में करेंगे। ओए होए, आज तो सब खाऊंगा मैं, मैंने पहले कहा था थोड़ी चीट चलेगी। ये ग्रीन पुलाव है, अब ये भी ट्राई करूंगा। बहुत आउट क्लास डिनर था, खाना वाकई में बहुत अच्छा था, बहुत हमें बहुत आना था। वीआईपी बहुत ज़्यादा खा लिया है, वैरायटी बहुत ही हो, मैंने बताया मैंने आज अच्छा खाया है, मैं डाइट करा था ना आज, मैंने फुल चीट किया है आज, मतलब मैंने ऐसा खाया है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारे मेरे नन्हे मुन्ने कज़न हैं, छोटे भाई हैं, और इन सबको ना वीडियो में आना था, और काफ़ी दिन से मुझे बोले थे कि वीडियो में ले लो, मैंने बोला कि मैं लूँगा लेकिन मौका देख के लूँगा, क्योंकि अंदर फैमिलीज भी होती है तो साथ साथ वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता है कोई बीच में आ जाए। लेकिन ये माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं, वो सब भाइयों की तरह ही है, बोलते दुआ करना तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। अरे अभी तो टाइम, बस अभी हम मॉल से फ्री हो गए, बिल्कुल अब जा रहे हैं अपने घर पे, और सुबह सबका अपना अपना काम भी, सबको काम पे भी जाना है। तो बस आज की वीडियो को ये खत्म करना, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बीच में आ जाए, बिल्कुल मैं तुम्हें आ जाऊँ। हाँ भाई, पहले ऐसे जरूर, ऐसे जो मेरा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।